नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा वर्मा। जान बचाने से लेकर जीविका के जरिया बने खादी के मास्क, अब तक 6 लाख से अधिक महिलाओं को मिल चुका है रोजगार। जून जुलाई तक वाजिब दामों पर बेचे जा चुके हैं 5.6 मिलियन खादी के मास्क। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खादी फैब्रिक ऑफ फ्रीडम, जंगी आज़ादी और स्वदेशी का प्रतीक वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में अपनी नई भूमिका में है। इस भूमिका में खादी के मास्क जिंदगी बचाने से लेकर लाखों लोगों की जीविका का जरिया बन चुके हैं। खादी के मास्क से कितने की जिंदगी बची यह तो नहीं बताया जा सकता, पर उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 6 लाख महिलाओं को रोजगार मिल चुका है। अब तक करीब 6 लाख मीटर खादी के कपड़ों से बने 5.7 मिलियन मास्क वाजिब दाम प्रति मास्क 10 रुपए पर लोगों को दिए जा चुके हैं। यह क्रम अभी जारी है। खास बात यह है कि जिन महिलाओं को अभूतपूर्व संकट के इस दौर में रोजगार मिला है वे ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। यह समाज का वह तबका है जो 25 मार्च को घोषित लॉकडाउन से सर्वाधिक प्रभावित रहा। इस तबके के न केवल प्रतिदिन 200 रुपये के औसत से रोजगार मिला, बल्कि जहां ज़रूरत हुई वहां मास्क की गुणवत्ता के अनुपालन के लिए इनको प्रशिक्षण भी दिया गया। आज स्थिति यह है कि खादी के मास्क कोरोना के खिलाफ जारी जंग में प्रमुख हथियारों सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर में से एक है। खादी के मास्क के लिए पहल करने वाला पहला राज्य रहा उत्तर प्रदेश। मालूम हो कि कोरोना से जीवन की जंग में खादी के मास्क को प्रभावी हथियार बनाने की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य रहा। अपर प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल के अनुसार अप्रैल 2020 में घर से निकलने पर मास्क को अनिवार्यता किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इसके लिए पहल शुरू कर दी गई। तय हुआ कि खादी विभाग कपड़े मुहैया कराएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG इसको बनाएगी। मानक के अनुसार मास्क की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ जरूरी होगा, जो ज़रूरी है वहाँ महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खादी के मास्क की कई खूबियाँ हैं। यह पूर्ण रूप स्वदेशी है, पूरी तरह इको फ्रेंडली होने के साथ इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। दोबारा उपयोग और बायोग्रेडेबल होना इसकी अतिरिक्त खूबियाँ हैं। यही वजह है कि लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। मास्क लोगों को वाजिब दाम पर मिले इसके लिए सरकार कोविड फंड से इसे अनुदान भी दे रही है।